आज मैंने न्यू नाइट सूट पहना है। मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत सुंदर, जैसे हमेशा लगती हो। थैंक यू। सोशल मीडिया पर आजकल इन माँ बेटे की जोड़ी बहुत तेजी से वायरल हो रही है। हर कोई इनकी रील्स देखकर बहुत ज़्यादा परेशान है कि एक माँ बेटा इतना रोमांटिक वीडियो कैसे बना सकते हैं। जब आप इनकी रील्स वीडियो देखोगे तो आपको कपल वीडियोस भी फीकी लगेगी, क्योंकि इनकी वीडियो इतनी ज़्यादा रोमांटिक होती है। माशाल्लाह बोलो फिर, नज़र लगती है वरना मुझे। आखिर एक माँ अपने बेटे के साथ इतनी रोमांटिक वीडियो क्यों बनाती है? क्या वो इनकी सौतेली माँ है, वो अपने बेटे के साथ जबरदस्ती करके वीडियो बनाती है? आखिर क्या है असली सच? आप जब इनकी वीडियो देखते होंगे तो आपके मन में ऐसे कई सवाल आते होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके सारे सवालों के जवाब लेकर आई हूँ, वो भी बिल्कुल सच। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। 2007 की बात है, जब रचना और उनके हस्बैंड की शादी हुई थी। जब आप इनकी शादी की फोटो देखोगे तो रचना के हस्बैंड उम्र में काफी ज्यादा बड़े और रचना उम्र में काफी ज्यादा छोटी लगेंगी। उसका कारण ये है कि रचना की शादी मात्र 16 साल की उम्र में हो गई थी। कच्ची उम्र में इनकी शादी तो हो ही गई थी और शादी के 2 साल बाद ही इनको जुड़वा बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की। लड़के का नाम इन्होंने रुद्र रखा और लड़की का नाम इन्होंने रिद्धि रखा। तो इससे ये कन्फर्म हो गया कि ये लड़का इनका सगा बेटा है। तो आखिर ये सगे बेटे के साथ इतना रोमांटिक वीडियो बनाती हैं? जी हाँ, इस सवाल का जवाब यही है, जी हाँ, रुद्रा इनका सगा बेटा है। हाँ जी, ये मेरी माँ जी, बहुत सोहनी है ना। रूह तक पहुंची सजना तकनी तेरी वे। तो आखिर क्यों एक सगी माँ अपने बेटे के साथ ऐसी वीडियो बनाती है? इस बात का जवाब देने से पहले आइए मैं आपको बताती हूँ कि रचना इतनी जवान कैसे दिखती हैं। तो रचना एक मॉडल है, ये मॉडलिंग का काम बहुत सालों से करती आ रही हैं। ये काफी मॉडलिंग एजेंसी और ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट के लिए मॉडल का काम कर चुकी हैं। आप स्क्रीन पे एक ऑनलाइन वेबसाइट मीशो की एक फोटो देख रहे हैं जिसमें एक लड़की सूट पहने खड़ी है, वो रचना ही है। रचना ने कई बड़े बड़े स्टार हनी सिंह और प्रांजल दहिया के साथ काम किया है और कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ भी, जिसकी फोटोज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसलिए ये इतनी ज़्यादा फिट रहती हैं और इनको जिम जाना बहुत ज़्यादा पसंद है अपने प्रोफेशन के लिए, और आप लोग इनको संतूर मम्मा कहकर भी बुलाते हो। तो आपको ये जवाब मिल गया होगा कि आखिर ये इतनी जवान क्यों दिखती हैं। अब बात करते हैं कि अपने सगे बेटे के साथ ये रोमांटिक वीडियोज़ क्यों बनाती हैं। इसके लिए आपको टिकटॉक के दौर में चलना होगा। टिकटॉक पर रचना ने काफ़ी वीडियोस बनाई, ट्रेंड फॉलो किया, लेकिन बहुत ढेर सारी वीडियो बनाने के बाद भी ये वायरल नहीं हो रही थी। कभी टिकटॉक बैन हो गया तो इन्होंने हार नहीं मानी, इन्होंने इंस्टा पर रील्स बनाना स्टार्ट किया। वहाँ पे भी ढेरों रील्स बनाती और अपने हस्बैंड के साथ भी वीडियोस बनाती, लेकिन वहाँ भी ये वायरल नहीं हो रही थी। आए दिन सबको वायरल होते देख रचना का भी मन करता था कि मैं भी वायरल हो जाऊँ, लेकिन रचना वायरल नहीं हो रही थी। फिर इन्होंने एक दिन अपने बेटे के साथ वीडियो बनाई, वो वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो गई। लोगों को ये लगा कि ये दोनों कपल हैं, लेकिन रचना ने दोबारा वीडियो डाला और उसमें मेंशन किया मॉम और सन। तब लोगों को और भी ज़्यादा आश्चर्य हुआ कि आखिर माँ बेटे ऐसी वीडियो कैसे बना सकते हैं। किसी किसी के तो पैरों तले जमीन खिसक गई और यूट्यूब के काफ़ी रोस्टर ने इन पर रोस्ट किया, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। इनको अच्छा लगा कि मेरे पर रोस्ट वीडियो बन रही है ताकि मैं और भी ज़्यादा फेमस हो, और रचना की ये स्ट्रेटेजी काम भी कर गई। आज इनके इंस्टाग्राम पर 367 के फॉलोवर्स हैं और रचना वायरल भी हो गई। अगर आपको ये लगता है कि ये अपने बेटे के साथ ज़बरदस्ती वीडियो बनाती हैं तो आपको गलत लगता है। इनके बेटे भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होकर इनके साथ वीडियोस बनाते हैं। इन सब बातों से ये साफ पता चलता है कि आज के लोगों को बस वायरल होना है, कैसे भी करके मैं वायरल हो जाऊँ। और सोशल मीडिया पर दिन प्रतिदिन ये तो ट्रेंड बनता जा रहा है कि बस चाहे नाम हो और चाहे हम बदनाम हो, लेकिन हम वायरल हो जाएं। लेकिन कोई वायरल होने के लिए इतने हद तक गिर सकता है? ये बात तो आम होती जा रही है। बाकी आपका क्या राय है इन माँ बेटे के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिएगा। वीडियो आपने यहाँ तक देख लिया है
और अभी तक हमारे चैनल को क्या नहीं सब्सक्राइब तो क्या कर रहे हो। हम लोग ऐसे ही अमेजिंग और रियल वीडियोस लाते रहते हैं। ऐसी अमेजिंग और रियल वीडियोस के लिए हमारे चैनल कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और करनी हो कोई बात या करनी हो कोई शिकायत तो मैं आपको इंस्टाग्राम पर भी मिल जाऊंगी, तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। हम तो दुआओं में खुदा से तुमको ही मांगा।